नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेडिसिन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे देश में संत समाज के ऊपर, संतों के ऊपर ऐसी चर्चा चल रही है लगातार दिन प्रतिदिन, कभी कोई शास्त्री, कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी कोई संतों के ऊपर लगातार अंगुलियां उठाई जा रही है, किसी के द्वारा माइंड रीडर की, किसी के द्वारा चमत्कार की, किसी के द्वारा कुछ की, किसी के द्वारा कुछ की, लगातार ये मीडिया में बना हुआ है। कोई संत जो है वह चमत्कार करके किसी का फ्यूचर पहले ही लिख देते हैं अपने कागज पे, कोई संत चादर ओढ़ा करके किसी को ठीक कर देते हैं, तो कोई संत भागवत कथा कह करके लोगों को मन बहलाते हैं। एक कैसी लीला हो रही है हमारे देश में। इसी बीच एक ऐसे संत समाज भी हैं जिन संत समाज के बारे में जान करके आपको ताज्जुब होगा, आप स्तब्ध रह जाएंगे कि ये कैसा संत समाज है, और वो भी हमारे देश में। हमारे देश में संतों की कई पंथ चल रहे हैं। उन्हीं पंथ में एक पंथ का नाम है, संतों का जो वह समाज है, संतों का जो वह पंथ है, उस पंथ को कहते हैं अघोर पंथ। अघोर पंथी जो संत होते हैं ना, वे संत ऐसे संत होते हैं जो संत को लोग अघोरी बाबा के रूप में जानते हैं, उनको लोग अघोरी बाबा के नाम से पुकारते हैं। ये अघोरी बाबा जो होते हैं, वह इनका निवास स्थल जो होता है ना, वह शमशान घाट है। अघोरी बाबा शमशान घाट में रहते हैं। वहां पर जो मुर्दे जलाए जाते हैं ना, उन मुर्दों के जलते हुए चीते से मांस नोच नोच करके ये अघोरी बाबा खाते हैं। एक कैसी संत समाज है भाई, वहां से वे मांस नोच नोच के जलते हुए चीते से मांस निकाल करके पके हुए जो सब का मांस होते हैं उसे वे अघोरी बाबा खाते हैं। पूरे शरीर में ये अघोर पंथ के जो बाबा होते हैं, अघोरी बाबा जो होते हैं, ये पूरे शरीर में भभूत लगाए रहते हैं। इन लोगों का कहना होता है कि हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव की विनती करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, इसीलिए हम अघोरी हैं। ऐसा सुनने को मिलता है कि पुराने जमाने में अघोर पंथ के लोग, अघोरी बाबा लोग एक मुर्दा को तरबूज का आकार देकर के और उसे खा जाते थे, एक मुर्दा को दाल भात सब्जी का आकार देकर के उसे खा जाते थे। लेकिन आज संभव तो नहीं है, लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि अघोर पंथ के लोग जो है ना, वह जलते हुए चीते से मांस नोच नोच करके खाते। अक्सर अघोरपंथी बाबा के साथ साथ कुत्ता होता है और एक कुत्ता को अपने साथ रखते हैं। अघोरपंथ के जो बाबा होते हैं, बड़े बड़े जटा बढ़ाए होते हैं और हाथों में त्रिशूल धारण किए होते हैं। आज सोचने की बात है कि ऐसे ऐसे बाबा भी हमारे देश में मौजूद हैं। एक ऐसी पंथ ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को कृपा पाने के लिए, ईश्वर की दया दृष्टि पाने के लिए सब का मांस नोच करके खाना। हमारे देश में ऐसी ऐसी पंथ है बाबाओं की, ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं बाबाओं की, ऐसी ऐसी समाज है बाबाओं की। हमारे ही देश में अघोर पंथ, अघोरपंथी लोग, अघोर पंथ की जो बाबाएं होते हैं, गजब का नृत्य करते हैं और उनके नृत्य में तांडव भरा नृत्य होता है। अक्सर अघोरपंथ के जो लोग हैं ना, अघोरपंथी बाबा लोग जो हैं, वह भगवान शिव की पूजा करते हैं और वे कहते हैं कि शिव स्तुति ही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है, भगवान शिव की पूजा, और भगवान शिव हम पर खुश होते हैं।
या अघोर पंथ की जो बाबा होते हैं ना, अघोरी जो बाबा होते हैं, वह मुर्दों के साथ भी संबंध बनाते हैं। सोचने की बात है, मुर्दों के साथ संबंध। अगर जिंदा महिला मिल जाए, जीवित महिला मिल जाए, तो उसको पीरियड्स के समय, मासिक के समय उनसे संबंध बनाते हैं। कहते हैं कि पीरियड्स के समय संबंध बनाने से भगवान शिव खुश होते हैं। एक कैसी लीला है, एक कैसी संत समाज है, अघोर पंथ। ये अघोर पंथी लोग आज से नहीं, हमारे देश में बहुत पुराने जमाने से है, सनातन काल से है। तो अगर आप नहीं जानते थे इन अघोर पंथ के बारे में, तो आज जान लीजिए ये अघोर पंथी लोग कैसे लोग होते हैं जो हमारे ही देश में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इन अघोर पंथी बाबाओं के बारे में, इन अघोर पंथ के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। हमारे मेडिसिन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी जानकारी दवाओं के बारे में, सोशल एक्टिविटी के बारे में, इतिहास के पन्नों से उठाए गए कुछ जानकारियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान परिवेश में हो रही घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस चैनल का ही नाम है मेडिसिन फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए दवाएं। कैसी दवा? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, काल्पनिक, हर तरह की दवाएं। सिर्फ जीवन रक्षक दवाएं ही नहीं, जीवन को बनाने वाली भी दवाएं हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।